हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ाइफ़े क्लासेस। दिस इज आज़म विद अ न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.6। तो 2.6 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, 8x-3/3x=2। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए शुरू करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर ये जो 3x है डिनोमिनेटर में, इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा यहाँ पर रह जाएगा 8x-3, और डिनोमिनेटर में जो 3x था लेफ्ट हैंड साइड में, उसे ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 3x/2, यहाँ आगे ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 8x-3=2, 3 6x। अब देखिए क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड पर जो ये 6x है, इसको ले आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड, और ये जो -3 है यहाँ पर, इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड। तो ये हो जाएगा 8x, और इसको उधर ले आएंगे -6x, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड पे जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड पे माइनस का है राइट हैंड जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 3। अब 8x में से 6x को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये रह जाएगा 2x, और ये हो जाएगा =3। अब 2 को ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 3/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी पहले क्वेश्चन की, ये आंसर हो जाएगा, और पहले क्वेश्चन की x की वैल्यू आ गई 3/2। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 9x/7-6x=15। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 7-6x। अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, इस पूरे एक्सप्रेशन को ही हम यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये इधर रह जाएगा 9x, और ये चला जाएगा, तो ये इसके 15 के साथ करेगा मल्टीप्लाई 7-6x, तो ये हो जाएगा 9x=, अभी 15 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 15 7 105, -15 6 90x, तो ये हो जाएगा 90x, ठीक है। अब देखिए, ये 90x जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में है, इसको हम ले जाते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 9x+90x=105। अब देखिए, ये हो जाएगा 99 9x एंड 90x, ये हो जाएगा 99x=105। अब x को हम यही छोड़ देते हैं, और 99 को ले आते हैं हम इधर 105, और यहाँ पर क्योंकि x के साथ 99 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या करेगा डिवाइड, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 105/99। अब यहाँ पर देखिए, 3 से इसको हम काट देते हैं, 3 3 9 3 3 9, ये भी कट जाएगा, 3 3 9 1 बचेगा, 3 5 15, तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 35/33, और यही इसका आंसर है। तो बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, z/z+15=4/9। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे z+15 डिनोमिनेटर में है, इस पूरे पार्ट को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 9 को ले आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 9z से मल्टीप्लाई करेगा 9z=4×z+15, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो 4×z 4z, और 4×15 15 4 60। अब 4z जो है हमारा राइट हैंड साइड पे है,
अब 4z को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 9z माइनस 4z इक्वल टू इधर रह गया था 60। 9z माइनस 4z ये हमारे पास बचेगा 5z इक्वल टू 60। जेड को हम लेफ्ट हैंड साइड छोड़ते हैं, 5 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, 5 इधर आगे करेगा डिवाइड 60 को, क्योंकि यहाँ जेड के साथ कर रहा था मल्टीप्लाई। 5 वन द 5, 5 वन द 5, 5 2 जै 10, तो ये हमारी जेड की वैल्यू आ गई, ये जेड की वैल्यू हमारी आ गई 12, और ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ये है 3y+4 अपॉन 2 - 6y इक्वल टू -2/5। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दी है इसको ले जाते हैं हम, इस पूरी एक्सप्रेशन को ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड पे, और 5 को राइट हैंड साइड से 5 को यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 5 × 3y+4, और ये वाली एक्सप्रेशन चली जाएगी क्योंकि यहाँ डिवाइड कर रही है एक्सप्रेशन, इधर जाके करेगी मल्टीप्लाई -2 × 2 - 6y। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 3 = 15y, 5 4 = 20, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, -2 2 से मल्टीप्लाई करेगा -4 2 2 = 4, -2 - 6y से मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस प्लस, और 2 6 = 12y। 12y को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 15y - 12y, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 12 इधर आके माइनस, 20 को ले आते हैं इधर, तो -4 - 20। अब यहाँ पर 15y - 12y ये हमारे पास बचा 3y = -24, -4 - 20 - 4, तो y इक्वल टू 3 को ले आते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ आके करेगा मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड, क्योंकि तो y के साथ यहाँ कर रहा है 3 मल्टीप्लाई, इधर आएगा करेगा डिवाइड, ठीक है 3 8 = 24, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास -8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये है 7y+4 / y+2 = -4/3। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एक्सप्रेशन है हमारी y+2, इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड, और 3 को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है इधर आके करेगा मल्टीप्लाई, तो 3 × 7y+4, और ये जो है ये -4 के साथ मल्टीप्लाई करेगी एक्सप्रेशन y+2, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगी y+2, मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 7 = 21y, 3 4 = 12, -4 से मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा -4y + 4 2 = 8, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो -8। 12 को ले जाते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, -8 यहाँ पर रहेगा और इधर से आ जाएगा -12, और इस -4 को ले आते हैं इधर, तो 20y + 4y, ये माइनस का है तो ये इधर आके प्लस, तो ये हो गया 25y, और ये हो गया -8 - 12 - 20। वाई को हम छोड़ देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और 25 को ले आते हैं राइट हैंड साइड, -20 यहाँ पहले से है, 25 यहाँ वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड लाएंगे तो यहाँ डिवाइड करेगा, तो आप 120, तो ये हो गया 5 4 = 20, 5 5 = 25, y = -4/5। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारे पास, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी
are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. ठीक है, तो हरी और हैरी की जो एजेस हैं उनका रेशियो 5:7 है और 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो 3:4 हो जाता है, तो उनकी प्रेजेंट की एज हमें बतानी है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो प्रेजेंट एज है उसको मान लेते हैं हम। रेशियो वाले क्वेश्चन में हमने पहले बताया था कि यहाँ पर हरी की प्रेजेंट एज हम मान लेंगे 5x और हैरी की मान लेंगे 7x। ठीक है, तो लेट हरी प्रेजेंट एज इज 2b 5x और हैरी की प्रेजेंट एज हम मान लेंगे एज 2b 7x। अब क्योंकि बात हो रही है 4 years later, ठीक है, या मतलब फ्रॉम नाउ मतलब 4 साल के बाद, ठीक है, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं आफ्टर 4 year। हरी एज विल बी, हरी की एज 4 साल बाद, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज 5x है तो 4 साल बाद +4 यानी मतलब 5x+4 और हैरी की हो जाएगी 4 साल बाद 7x+4। ठीक, अब ये जो 4 साल बाद की जो एजेस आई इनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 3:4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अगर हम इनका रेशियो निकालें, हरी की एज 4 साल बाद की हरी की एज और हैरी की 4 साल बाद की एज का रेशियो निकालें, तो हम ये रेशियो इस तरह से निकालेंगे 5x+4 upon 7x+4। ठीक है, रेशियो को ऐसे अपॉन में लिख सकते हैं ये रेशियो। तो ये जो रेशियो आएगा वो कह रहे हैं कि 3:4 आएगा, तो यानी मतलब ये चीज़ इक्वल होगी 3/4 के। अब ये हमारी बन गई एक इक्वेशन और इसको हम कर लेंगे सॉल्व। 4 को ले आते हैं हम इधर, मल्टीप्लाई करेगा और ये जो एक्सप्रेशन है इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसे ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड, ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो कर लेते हैं इसको, तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 5x+4 से, ठीक है, और 7x+4 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेगी एक्सप्रेशन 7x+4। 5 4s are 20x, 4 4s are 6, sorry, 20, 5 4s are 20x और 4 4s are 16, 3 7s are 21x, 3 4s are 12। ठीक, अब जो है 21x को इधर ले आते हैं और 16 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 20x-21x = 12-16। तो 20x-21, 20x से 21 तो जा नहीं सकता, तो 21 से 20 को घटा देते हैं, तो यहाँ बचेगा -x, -1x या -x, और 12 में से 16 नहीं जा सकता, तो 16 में से 12 घटा देते हैं तो बचेगा -4। माइनस से ये माइनस कैंसिल, सॉरी, और तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, अब क्योंकि हमने हैरी की प्रेजेंट एज मानी थी 5x, तो हैरी प्रेजेंट एज, सॉरी, हरी हरी प्रेजेंट एज हमने मानी थी 5x, तो 5x और x की वैल्यू रख देते हैं 4, तो 5 × 4 = 20 year। ये आ गई हरी की 20 year और हैरी की हो जाएगी, हैरी प्रेजेंट एज ये है 7x, तो ये x की वैल्यू 4 रख देते हैं यहाँ पर, 7 × 4, 7 4s are 28 year।
तो हरी की प्रेजेंट एज आई 20 ईयर्स और हैरी की प्रेजेंट एज आई 28 ईयर्स। तो ये है इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा बोर्ड पर हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिरेटर बाई 8। इफ द न्यूमिरेटर इज इंक्रीज बाई 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है उसके न्यूमरेटर से, 8 ज़्यादा है, ठीक है, 8 ज़्यादा है, ठीक है। अगर उसके न्यूमरेटर में 17 को बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर में 1 कम कर दिया जाए, तो फिर जो आपको नंबर मिलेगा वो 3/2 होगा। तो वो रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर टू बी एक्स। तो न्यूमिरेटर हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो डिनोमिनेटर फिर क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिरेटर। तो डिनोमिनेटर जो है वो 8 ज़्यादा है, तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा x अपॉन x प्लस 8, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमरेटर में 17 को इंक्रीज कर दिया जाए, तो एक्स प्लस 17 अपॉन, और डिनोमिनेटर से 1 को डिक्रीज कर दिया जाए, तो एक्स प्लस 8 - 1। तो नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। तो ये आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, और ये हो गया x प्लस 17 अपॉन 8 में से 1 गया, तो x प्लस 7 = 3/2, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में है, इसको ले जाते हैं राइट हैंड, मल्टीप्लाई करेगा इधर आके, और 2 को ले आते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 2 × x + 17, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 3 × x + 7। 2x से मल्टीप्लाई करेगा 2x, 17 × 2 = 34। 3x से मल्टीप्लाई करेगा 3x राइट हैंड साइड पे, 3 × 7 = 21। अब 3x को ले आते हैं राइट हैंड साइड और 34 को ले जाते हैं, वो सॉरी 3x को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और 34 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 2x - 3x, और 21 यहाँ पहले से था, 34 आया -34। अब 2x - 3x, 2x से 3x तो जा नहीं सकता, तो 3x से 2x को हटा देंगे, तो -x, और 21 से 34 नहीं जा सकता, तो 34 से 21 घटा देंगे, तो माइनस में आंसर आएगा। 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। अब जो हमारा रेशनल नंबर था, x की जगह पे 13 रख देंगे यहाँ पे, तो हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 100 रेशनल नंबर। ये था हमारा x अपॉन x प्लस 8, अब x की जगह रख देते हैं 13 अपॉन में 13 + 8, तो ये हो गया 13/21। तो ये आ गया हमारा रेशनल नंबर 13/21। और ये एक्सरसाइज हो गई स्टूडेंट फिनिश। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और इस वीडियो में रखते हैं इतना ही।
तो ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, इस चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।